तस्वीरों में आप जिन चार आरोपियों को देख रहे हैं, इन चारों आरोपियों ने ही कल सांगी गांव में एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके जो है मौत के घाट उतार दिया था। और रोहतक पुलिस ने पुलिस कप्तान उदय सिंह मीणा के दिशा निर्देश पर कार्रवाई करते हुए लगभग 12 घंटे के अंदर जो चारों जो मुख्य आरोपी थे चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और कल इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। एएसपी किशन लोचब ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। फिलहाल चारों आरोपियों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन चारों आरोपियों को रोहतक पुलिस ने 10-12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। कल सांगी गांव में जो है वारदात को अंजाम दिया गया था, 21 वर्षीय जो युवक है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एएसपी किशन लोचब ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने 3 हथियारों का जो प्रयोग है वो किया है, बाकी जो जानकारी है वो पूछताछ के बाद सामने आएगी। कल दिनांक 9 जनवरी को हमें सूचना मिली कि गांव सांगी में फायरिंग हो गई है और एक शख्स को घायल कर दिया है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पे हमारी पुलिस पार्टी ने वहां पहुंच के घटना का जायजा लिया। इसी बीच पीजीआई से हमें जो ब्रॉड डेट का रुका भी प्राप्त हुआ कि मनीष नाम का एक व्यक्ति गोलियों से और चाकू से घायल होकर हॉस्पिटल में आया है और जिसकी पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। तो हमारे एसपी साहब श्री उदय सिंह मीणा जी के नेतृत्व में उनकी गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने जो CIA2 हमारे जिसके इंचार्ज नवीन जाखड़ हैं और उनके जो प्रोबेशनर जो सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार जी इनकी टीम और SHO सदर श्री अरविंद इंस्पेक्टर अरविंद की जो संयुक्त एक टीम बनाई जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पूरी घटना का एकदम सुलझा लिया है और 12 घंटे से कम अंतराल में उन्होंने जो इस घटना में जो शामिल थे जो अभियुक्त उनको काबू करने में सफलता प्राप्त की। ये कौन है सर और रीज़न क्या रहा है इस हत्याकांड की? इसमें ये मनीष नाम का एक शख्स है जो 2020 में ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में सिक्योरिटी की नौकरी करता था। ये गांव सांगी का रहने वाला था। तो उस समय अनुकूल नाम का कोई लड़का उसी गांव का है, उनके साथ ये मनीष ये वह इसके साथियों ने मारपीट व काफ़ी चोटें मार दी थी, जिस संबंध में ये मृतक मनीष के खिलाफ अदालत में मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है। तो ये इनकी पुरानी रंजिश होनी पाई गई है अभी तक जो सामने आया है। और इस केस में जो अनुकूल है उसने गांव के अपने जो साथी हैं उसके विकास है या और सचिन है और एक कोई लड़का सागर है जो इनका कोई दूर का मिलने वाला है रिश्तेदार है उलाना गांव गोहाना के पास का रहने वाला है। तो ये चारों ने कल दिनांक 9 जनवरी को जब क्योंकि मनीष की जो दादी की का देहांत हो रहा था तो कल उनकी 13वीं की रस्म थी तो कुछ टेंट का जो सामान था वो वहाँ गांव में किसी टेंट हाउस पे अपने दो और सहयोगियों के साथ वो वापस करने के लिए आया था तो वहीं पे इन्होंने इस पर अटैक कर दिया था। तो मनीष जो बचने के लिए खेतों की तरफ भाग गया लेकिन इन चारों ने उसको घेर के उस पर गोलियों से उस पर हमला किया जिसको लगभग 4 गोलियां इसको लगी हैं और उसके साथ साथ उन्होंने चाकू से भी इस पर वार किए। बरामदगी क्या क्या हुई सर इनसे? अभी क्योंकि हमने अरेस्ट किया है और अभी बरामदगी के बारे में भी अभी है ना हमारी जो पुलिस टीमें कार्रवाई कर रही हैं और जल्दी ही इस काम आपको खुलासा कर देंगे। लोकल मेड हथियार हैं जो यूज़ किए गए हैं अभी उसका जब हम रिकवरी करेंगे तो आपको शेयर करेंगे। आरोपियों पर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है किस तरह की कोई बात? अभी हम क्योंकि अभी बहुत जल्दी होगा अभी इनसे पूछताछ हम करेंगे पुलिस रिमांड के दौरान जो जो बातें सामने आएंगी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो भी इन्होंने जो इसमें जो भी जिस हथियार से गोलियां मारी हैं जो चाकू का प्रयोग हुआ है वो सारे हम बरामद करेंगे इनसे। सर इनकी पहचान कैसे हुई? CCTV बता रहे हैं सामने आ रहा है। नहीं ये क्योंकि गांव के ही थे ना इनकी आपसी रंजिश थी तो गांव में इस चीज़ का वो एक्सपोज होगा कि भाई इन्होंने ये हमला किया है। तो CCTV से भी कुछ मदद मिली चेहरे पहचानने? हाँ वो भी जो भी इस टाइप की जो एविडेंस है वो हम सारी फाइल पे लेंगे। तो लेकिन क्योंकि ये उसी गांव के रहने वाले थे तो
वो पहले से ही एक्सपोज हो चुके थे भाई, इन्होंने इस पे हमला किया है। तो पुलिस ने जो भी है अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्दी इनसे जो भी वेपन इसमें यूज्ड हुए हैं वो रिकवर कर लिए जाएंगे और इनका पुलिस रिमांड लेके और क्या क्या वारदातें इसके अलावा इन्होंने की हैं और कहाँ से ये वेपन लेके आए हैं और कहाँ प्लानिंग की है, किस तरह से इन्हें इसको अंजाम दिया, इसका पूरा जो खुलासा हम इनसे करेंगे। सर, चार कोई काम करते हैं सर, या पढ़ाई करते हैं, या कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बेरोजगार? अभी तक तो यही सामने आया कि ये अभी खेती बाड़ी के काम में याद बताते हैं, कोई ज़्यादा ऐसी कोई विशेष वो नहीं आई है। तो सर, चार गिरफ्तार हुए हैं, क्या और लोग भी शामिल हो सकते? अभी इनसे पूछताछ में शामिल जरूर कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा, हथियार किसने सप्लाई किए, कहाँ से लेके आए हैं, किसने इनको, किसका जो व्हीकल किसके यूज़ हुए हैं, कौन इसके पीछे, कौन है हत्याकांड के पीछे, और भी कोई अगर इसमें शामिल है तो ज़रूर हम उनके खिलाफ जो फायरिंग और चाकू का इस्तेमाल इन चारों ने ही किया। हाँ, अभी तक यही सामने आया है, लेकिन क्योंकि अभी पूछताछ प्रिलिमिनरी तौर पे हम कर चुके हैं और ये जाहिर हो चुका है कि चारों उसमें शामिल थे, इनके खिलाफ सबूत गुजर चुके हैं गिरफ्तारी के, इनको आज हमने गिरफ्तार कर लिया, कल इनको हम अदालत में पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और तफ्तीश के दौरान जो जो भी इसमें शामिल जो कड़ियां मिलती जाएंगी उनका सारा खुलासा। किसी गैंग से संपर्क है, किसी गैंग से इनका कोई संपर्क, इस तरह कोई सोचना? अभी क्योंकि ये हथियार जैसे सामने आया कि तीन हथियारों का इन्होंने प्रयोग किया है, जो तीन जो पिस्तौल हैं या जो भी कंट्री मेड हैं या क्या, वो सारा अभी हम देखेंगे कहाँ से इन्होंने वो हासिल किए हैं और चाकू कहाँ से लेके आए हैं, ये सारी बातें ये जांच का विषय है। तो जैसे ही जो जो बातें साफ होती जाएंगी हम आपसे शेयर करेंगे। जिस व्हीकल का प्रयोग किया गया है वो व्हीकल चोरी का था, कोई बड़ी वजह भी हो सकती है? दोबारा बताएं, मर्डर की कोई बड़ी वजह भी हो सकती है? क्योंकि चाकू से भी मारा, गोलियों से मारा, इस तरह से कोई रंजिश में मारता है तो कोई बड़ी वजह होती है? अभी क्योंकि देखो बहुत जल्द होगा कुछ भी खुलासा करना, जैसे ही हम पुलिस रिमांड पे लेके और एक डिटेल हम इनसे इंटरोगेशन करेंगे तो उसमें जो जो भी इनका खुलासा होगा हम आपसे शेयर करेंगे। पुरानी रंजिश मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मनीष है ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था यहाँ हरियाणा शहरी विकास नगर जो सेक्टर 3 में, और वहाँ इन्होंने अनुकूल जो कि इसमें मैन अभियुक्त है उसको इन्होंने काफ़ी चोटें मार दी थी, मारपीट कर दी थी, और इस संबंध में थाना अर्बन स्टेट रोहतक में मनीष और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है जो विचाराधीन न्यायालय है। तो ये एक वजह अभी तक सामने आई है, और भी कोई अगर इसमें वजह होगी तो जो हम इंटरोगेशन किए भी क्योंकि पुलिस रिमांड लेना है तो वो करके आपसे साझा करें। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।